गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग बना रहे हैं गुजिया। तो मैंने भी कुछ हेल्प कराई है, तो मैं आपको दिखा। सो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम यहाँ पर ले लेंगे कटर, ठीक है। ठीक है, कटर लेने के बाद हम लेंगे, सो फ्रेंड्स हमें कटर लेने के बाद लेना है यहाँ पे मैदा, जो हमने लोई बनाया था ना, ठीक है। मैदा लेने के बाद हमें उसमें फिलिंग भरनी है, जो भी आपकी फिलिंग है ना, जैसे सूजी की है, मैदे की है, मतलब सूजी की है, खोए की है, ठीक है। 1.5 चम्मच हमें यहाँ पे भर लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने भर लिया अच्छे से। अब ये जो इसको हम चिपकाने के लिए, ऐसे नहीं हम चिपका देंगे, इसको हम चिपकाने के लिए वाटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वाटर, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे सब्सक्राइब किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वाटर यूज कर रही हूँ, सिर्फ साइड्स पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे वाटर एंड देन चिपका देंगे अच्छे से, ठीक है। चिपकाने के बाद ना इसको जो एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे एंड हमारी गुजिया इज रेडी। यार ये देखो, ये ऐसे ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उसके आपने गुजिया ही बना ली। तो फ्रेंड्स, अब मेरी मम्मी यहाँ पर इसको फ्राई कर रही है। और फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा बनाओगे ना तो आपको बड़ी पतीली चाहिए होगी, जैसे हमने यहाँ पर लिया है। और आपने फॉइल पेपर लगाना मत भूलना। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आपने फॉइल पेपर ही लगाना है। और आप न्यूज़पेपर बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि जो न्यूज़पेपर का, ये देखो, ये न्यूज़पेपर की जो इंक है ना, वो आपके गुजिया में छोड़ देगा, इसलिए हमने यहाँ पर फॉइल पेपर लगाया है। और यहाँ पे ये गुजिया रखे हैं, वो भी फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे कुछ गुजिया रेडी है, और ये वाले गुजिया भी रेडी है। और अभी जो कढ़ाई में है वो भी रेडी होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो लोई है ना, उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। बताऊँ कैसे? कुछ ऐसे। सो फ्रेंड्स, इसको हम बाद में रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम इसको करते हैं फ्राई। यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही हैं, क्योंकि मैं गैस का काम नहीं करती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मेरी मम्मी और मैं बना रहे हैं खोए के गोजे, ठीक है। तो सूजी का तो यार और फिलिंग बची है, ये देखो फ्रेंड्स, कितनी सारी फिलिंग बची है। तो अभी हम बनाएंगे यहाँ पे खोया के। सो फ्रेंड्स, अभी मेरी मम्मी बेल रही हैं यहाँ पे, और मैं गोजे बनाऊंगी, ठीक है। जो गोजे की शेप होती है ना, ये वाली, ये कटर है। तो अभी तो सूजी की भी फिलिंग बची है, देखो कितनी सारी लोई, अभी इसमें से और ऐड हो जाएगा, ये देखो। ये तो मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है जो मेरी मम्मी ने बेला था ना मैदे का, ठीक है। बेलने के बाद हमको ये कटर पे रखना है। अब हम यहाँ पर भर लेंगे फिलिंग, ठीक है। आप 2-3 चम्मच ही भरना, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भरे हैं, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर आप 2 से ज़्यादा चम्मच भरोगे ना, नहीं तो फट जाएंगे ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लगानी होती है, पानी लगाना होता है हमें यहाँ पे साइड्स पे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अगर आप पानी नहीं लगाओगे तो ये खुल जाएगा, और जब आप फ्राई करोगे तो सारा आपका ऑयल जो है वो ख़राब जाएगा, पूरा खोया खोया हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ वाटर। दोनों साइड्स पे लगाना है, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमें वाटर लगा के अच्छे से इसको चिपका देना है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखो कितना इजीली निकल गया ना ये। अब ये देखो, ये एक्स्ट्रा और बच गया। सो फ्रेंड्स, ये जो कभी ये ख़त्म नहीं होते, तो अब हमें भी केयरफुली निकालना है इसको। और ये देखो यार, कितनी अच्छी शेप आई है, ये देखो।
ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो आप अभी टाइम लैप्स एंजॉय करो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने खोए के बना लिए हैं गोजे। ये देखो कितने अच्छे बनाए, और मेरे पापा यहाँ पे बेल रहे हैं, और मेरी मम्मी अब बनाएगी। अब मैं बनाऊंगी, लो। सो फ्रेंड्स, अब मेरी मम्मी यहाँ पर फिलिंग भरेगी गोजों में, और जो हम भल्ले पापड़ी बनाएंगे ना, मैं उसकी चटनी बनाऊंगी, ठीक है? बहुत मज़ा आ रहा है, तो चलो। पर सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कितना अंधेरा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताना कि मैं हॉरर चैनल जिस अरे जल्दी बोल, कल सुबह पलवल निकलना है। सो फ्रेंड्स, कमेंट में बताना कि मैं हॉरर चैलेंजेस भी लाऊं। सो माय गॉड, ये रही, और छानना पड़ेगा आई थिंक। सो मैंने कभी बनाया नहीं है ना। ओके, तो इसको ही ले जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है ये। ओ माय गॉड, ये बहुत भारी है, अगर गिर गई तो गए काम से। तो जल्दी जल्दी इसको ले जाना पड़ेगा, आई थिंक, होप। सो फ्रेंड्स, ये हो चुका है अच्छे से, मैं ले आई हूँ बड़ी मेहनत मुशक्कत से ये। ओके, तो चलो अब हम बनाते हैं, ठीक है? सो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने कुछ बताया था पर मैं भूल गई। क्या लाना था? क्या क्या लाना है? एक डोंगा ले, डोंगा डोंगा एक डोंगा चाहिए, डोंगा डोंगा। तो ये रहा डोंगा, ये रहा। ये स्टील वाला लूँ या कौन सा लूँ? रख देते इसको। डोंगा ले लिया है, डोंगा ले लिया। अब क्या करूँ? नहीं, अब क्या करूँ? डोंगा ले लिया, डोंगे के ऊपर छन्नी रख, लेकर आना मेरे को, मैं समझाऊँ छन्नी। डोंगे के ऊपर छन्नी, माय गॉड, शायद इसको छानना होगा। छानना है क्या इसको? अच्छा, छानना है। देखो इसको कुछ ऐसे बच जाएगी ना, जो मैदा की फिलिंग है वो बच जाएगी। तो आप इसमें थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा अजवाइन ऐड करके आप बना सकते हैं नमक पारे, ठीक है? तो बहुत सारी डिशेस हम बनाएंगे। तो देखो, जैसे हमारे यहाँ पे खोया की गुजिया, और ये सूजी की अभी और है। ये देखो कितना बड़ा पतीला हमने लिया है, मैंने दिखाई थी आपको वीडियो में, ये देखिए, ये रही सूजी की, ठीक है? सो फ्रेंड्स, हमारा जो फिलिंग है ना सूजी का खोए के, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हम बना रहे हैं नमक पारे, और मैं अलग अलग शेप्स के बनाऊंगी, ठीक है? आप कोई सी भी शेप, या फिर नमक पारे जैसे शेप होती है ना, नॉर्मल शेप नमक पारे की, वैसे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए,
सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये भी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, वैसे ही इसको आटे में थोड़ा, फिर हमें इसको बेलना है। सो फ्रेंड्स, बेल बेल के हमें इतनी बड़ी इसकी रोटी बना लेनी है। सो अभी हमें इसमें छेद करना है। हमें छेद इसलिए करना है जिससे ये पूरी की तरह फूल लेना। यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है, मेरी मम्मी बनाती है सब खाना। अब हमें देनी है इसको जैसे नमक पारे की शेप होती है ना वैसी। मम्मा थोड़ा सा नमक पारे बचा देना मुझे शेप बना। अब हमें ऐसे हमने काट लिया है, स्ट्रेट काट के हमें साइड से ऐसे ऐसे काटना है। ये देखिए आ गई है ना नमक पारे की शेप, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया नमक पारे की शेप आई है, ये देखिए। ठीक है, फ्राई करने के बाद तो फ्रेंड्स बहुत ही यम लगेंगे, बहुत ही यम लगेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप काटोगे भी नहीं ना, तो आप कोई सी भी शेप बना लोगे, काट दोगे कोई सी भी शेप बनाकर, तो फिर भी ये बन जाएंगे। फ्राई तो करने, ये टेस्ट तो वही आना है, सिर्फ शेप ही अलग होती है। ये देखिए सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी बनाई है स्क्वायर शेप। ठीक है, स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों ही लग रहे हैं। और इस शेप का मैं बनाती हूँ एक लाइन, या फिर क्या बनाऊँ पता नहीं, तो मैं आपको बना के ही दिखाऊँ। सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने शेप बनाया पर सही लग रहा है ना। चलो, मैंने अपना कट तो किया, मैंने अपनी तरफ से काटा तो कम से कम नमक पारों का। चलो, अब मेरी मम्मी ने एक और लोई रखी थी, और फ्रेंड्स ये देखो, बताओ कितने बज रहे हैं। एज यू कैन सी द टाइम, रात के देख सकते हो, ये घड़ी आगे है। मैं आपको फोन में दिखाती हूँ, 1:12 हो रहे हैं यहाँ पे रात के। तो फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगता है ना कि त्यौहार है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि मैं हॉरर चैलेंज करूँ या ना करूँ, ठीक है, और कौन सा करूँ हॉरर चैलेंज। मुझे डर तो लगता है, पर आप कमेंट करोगे फ्रेंड्स, मैं कर लूँगी हॉरर चैलेंज। ठीक है, तो ये बहुत सारे हॉरर चैलेंजेस आते हैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा करूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ हॉरर चैलेंजेस। ठीक है, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ये तो बहुत स्केरियस्ट आ रहे हैं। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं रात को ही देख रही हूँ, तो ओ माय गॉड, मैं रूम में आ गई हूँ अकेली। चलो चलते हैं मम्मा के पास, मम्मा क्या कर रही है। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे नमक पारे भी रेडी है, और हमारे यहाँ पे खोया का गुजिया और नीचे भी है। ठीक है, हमने 2 लेयर्स यहाँ पे बनाई है, ऊपर जो है वो खोया का और नीचे जो है वो सूजी का। सो फ्रेंड्स, बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द धानी विक्रम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। बाय।